अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY504 का लेसन नंबर 21, पैटर्न रिकॉग्निशन ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड PDPs और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो मॉडल है उसको क्या कहा जाता है। पीडीपी कहा जाता है। पीडीपी स्टैंड फॉर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अब ये न्यूट्रल नेटवर्क होता क्या है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम जो हमारे माइंड में हम लेटर्स को पहचानते हैं, किस तरह पहचानते हैं कि डिफरेंट लेटर फीचर्स होते हैं, फिर उससे लेटर्स बनते हैं, फिर उससे वर्ड्स बनते हैं, तो वो सारी चीजें उनको मतलब के एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक ही वक्त में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही होती है। क्या रहा होता है कि हम पहले मतलब के उसकी वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस को पहचान रहे होते हैं, फीचर्स को पहचान रहे होते हैं, फिर हम लेटर्स को पहचानते हैं, फिर हम वर्ड्स बनाते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जो हम एक वक्त के दरमियान हमारे माइंड में हो रहा होता है। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने समझाया हुआ है। लास्ट पर देखें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं ANTGS। अब जो नीचे वाली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ए के अंदर मैच कर रही है, वही वर्टिकल लाइन्स जो है वो एन के अंदर मैच भी कर रही है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि वो वर्टिकल लाइन टी के अंदर भी आ रही है, फिर अगली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ए में भी मैच कर रही है। तो वो हर तरह मतलब डिफरेंट जो भी वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो डिफरेंट लेटर की तरफ एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। फिर उससे आगे वो जो उनसे वर्ड बन रहे हैं उनकी तरफ भी वो एक्सटेंड कर रही है, जिस जिसके अंदर वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से एक और डायग्राम है, इधर उन्होंने थोड़ा क्लियर बताया हुआ। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टिमुलस दिए हैं हमें WOR के, ठीक है। आगे उसके फीचर डिटेक्टर्स बताए हुए हैं, जो मतलब फीचर डिटेक्टर्स में वही आएंगे जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। अब आगे लेटर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब ऊपर जो वर्ड डिटेक्टर्स लिखे हुए हैं, अब इसके अंदर WOR के एक वर्क है जो कि पूरा मैच कर रहा है, तो ज्यादा जो है ये लाइन्स उसके वर्क की तरफ फिट करेंगी। उसके बाद बाकी जो चीजें वर्ड के साथ और फॉर के साथ मैच हो रही है वो उसकी तरफ भी जाएंगी। आगे उन्होंने यहाँ बताया कि फोर वर्ड्स ऑफ वर्क आर एक्टिवेटेड। अब जब फोर वर्ड्स जो है वो मैच हो गया वर्क के साथ, ये वर्क को एक्टिवेट कर देंगे। और थ्री वर्ड्स जो है वो कंपटीटर्स हैं वर्ड रिकॉग्निशन में। वर्क इज रिकॉग्नाइजिंग बाय, अब जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज कैसे हुआ, फोर लेटर से। और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग मॉडल हो गया, ये एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल बन गया। और हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग मॉडल किसको कहा जाता है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल को। और इस सब को न्यूरल नेटवर्क मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस देयर इज एन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और क्वांटिटी है डिफरेंस, ठीक है, जिसको नोड्स भी कहा जाता है। आगे नोड्स क्या होता है वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्टेड ऑफ नोड्स, लिंक्स, एक्सिटरी, इनहिबिटरी, फेट्स, लर्निंग कंसिस्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ वेट्स। अब सबसे पहले है नोड्स। नोड्स आर सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। नोड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फीचर्स को, लेटर्स को, वर्ड्स को। अब नोड्स है क्या चीज, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ऑल बॉक्सेस इन अबव डायग्राम आर नोड्स। अब जितने भी इसमें हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारे नोड्स हैं। उसके बाद फिर जो बॉक्सेस के साथ लाइनें अटैच हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हैं, ये नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू दीज लाइंस और इनको लिंक्स कहा जाता है। अब जो बॉक्सेस हैं सारे वो क्या चीजें हैं, नोड्स, और जो लाइनें हैं उन्हें क्या कहेंगे, लिंक्स। आगे patterns of connections, nodes are connected to each other by auxiliary or inhibitory connections that differ in strength. अब आगे auxiliary connections और inhibitory connections क्या होता है, diagram में समझ आएगी। अब ये देखें, अब यहाँ से जो horizontal line जिसके साथ match हो रही थी वो उसकी तरफ exceed करेगी, वो क्या होगा, auxiliary connection। लेकिन अगर कोई एक vertical line है वो जिस letter के अंदर नहीं मतलब मौजूद नहीं है तो वो inhibit हो जाएगी, वो उसके साथ मिलके active नहीं होगी, उसे कहा जाता है एक्सिटरी कनेक्शन और इनहिबिटरी कनेक्शन। ये देखिए, दीज आर दोस कनेक्शन दैट मेक अदर नोड्स एक्टिव, जो किसी के साथ मिलके नोड्स को एक्टिव करता है उसको एक्सिटेटरी कनेक्शंस कहा जाता है, और जो किसी दूसरे नोड्स के साथ मतलब नहीं मिलता उससे रिलैक्स होकर स्विच ऑफ हो जाता है उसके साथ, उसे इनहिबिटरी कनेक्शन कहा जाता है। अब स्टेट ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, जब एक एक्सिटेटरी कनेक्शन जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है, वो दूसरे एक दूसरे नोड्स से जाके मिलता है उसको एक्टिव करता है, तो हम देखते हैं कि कौन सा जो लेटर है मतलब वर्क के अंदर के मैच कर रहा है तो वो के को एक्टिव कर देगा और हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये क्या बन गया, वर्क बन गया के को इंक्लूड करने से। अब ये क्या होगा कि इट रिसीव्स इनफ एक्सिटेटरी इन्फ्लुएंस। अब एक्सिटेटरी कनेक्शन से हमने ये रिकॉग्नाइज किया और ये एक्टिव हुआ। अ लर्निंग रोल क्या होता है, अब एक्सिटेटरी और इनहिबिटरी कनेक्शंस के वेट में जो चेंजिंग्स करना होती है वो एक लर्निंग रोल होता है, मतलब किस लेटर को कितना एक्टिव करना है
उसके साथ अटैच होना है या नहीं, इनहिबिटरी ने उसको स्विच ऑफ करना है, एक्सिटेटरी ने उसको जो है वो एक्टिव करना है, इन तमाम चीजों का मतलब इनका जो आपस में कनेक्शन होता है वो कितना करना है और कहाँ करना है, इस सब चीज को अनलर्निंग रोल कहा जाता है। आगे पीडीपी एंड लर्निंग, वही हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पीडीपी क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, जो कि इनेबल्स होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, मतलब डिफरेंट उनके साथ रिकॉग्निशंस करके लेटर बनाए जाते हैं, फिर हम उनको स्पीक करते हैं, रीड करते हैं, री रीडिंग करते हैं, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस बन जाता है, इस तरह के होते हैं हम अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 21। लेसन नंबर 22 बिल्कुल शॉर्ट सा ही, इसलिए मैंने इसके साथ रिकॉर्ड कर दिया। इफेक्ट्स ऑफ सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट, टलविंग मेंडलर ब्योमल इन्होंने कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट टू शो द इफेक्ट एट द मल्टी वर्ड लेवल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मतलब अगर एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट लिया जाए उसको कोई कितनी देर में पहचाने वो उसे समझ कितनी, मतलब थोड़ी लम्हे के लिए आपने रखना है ना सामने, एक सब्जेक्ट लेंगे फिर 4 कंटेक्स्ट का, फिर 8 कंटेक्स्ट का, मतलब एक पूरा सेंटेंस किसी के सामने से गुजारना है, तो वो जो एक वर्ड है उसको जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा या पूरे वर्ड को जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा। अब इसके रिजल्ट क्या है, अब जो 0 कॉन्टेक्स्ट था उसको सिर्फ 0 मिलीसेकंड के लिए रखा, मतलब कि दिखाया ही नहीं, तो वो 0% लोगों ने जो था उसको आइडेंटिफाई किया। जो 4 कॉन्टेक्स्ट था उसको बस उन्होंने देखा नहीं, एक किस्म का जज किया, ठीक है, अंदाजा लगाया, तुक्का लगाया समझ लो, उसको 10% हो गया 8 कॉन्टेक्स्ट। अब ये है कि जितना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा आप उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जितना सेंटेंस अच्छा और पूरा क्लियर होगा आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि एक पूरा सेंटेंस जो होता है, एक पूरा जो कंटेक्स्ट होता है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी और उतनी इजीली आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन ये इसके सारे अब रिजल्ट बताए हुए, लेकिन अब इसी की तरफ एक और चीज भी थी, लेकिन पहले हम इसकी इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं। दैट एक्सपेरिमेंट शो दैट वी कैन यूज सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई वर्ड्स। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम पूरा एक सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो है उसको यूज कर रहे हैं वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद विद कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट लेस इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट से ये होता है कि हमें लेस इंफॉर्मेशन की मतलब वो जरूरत होती है वर्ड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, और फिर जो वर्ड्स होते हैं वो खुद की पहचान करवाते हैं, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब कंटेक्स्ट एंड स्पीच, अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा भी नहीं है कि अब लंबी स्पीच करते हैं तो वो भी आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाए, लेकिन अगर एक वर्ड है एक टेक्स्ट है ओके वो आपको समझ आ जाएगा, वो आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन अगर आप उसके निस्बत पूरी स्पीच करते हैं ठीक है तो वो जो एक टेक्स्ट है वो इजिली रिमेम्बर करना वो आसान नहीं है। इसके लिए एक कंसेप्ट दिया उन्होंने, फोनीम रिस्टोरेशन इफेक्ट वैरन ने दिया। इसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला, द स्टेट गवर्नर्स मेट विद देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स कन्वेनिंग इन द कैपिटल सिटी। इस सेंटेंस में जब उन्होंने लेजिस्लेचर वर्ड बोला तो लेजिस्लेचर के जब एस आया लेजिस एस मिडल पर जाकर उन्होंने एक टोन बजा दी, उन्होंने लोगों को कहा क्या बताएं कि क्या बोला गया, तो वो जब जैसे ही फिक्रा चलता आ रहा था पूरा तो उन्हें पता यहाँ पे यूज भी लेजिस्लेचर होना, जब लेजिस्लेचर वर्ड यूज हो रहा है जस्ट एस की जगह पे बीन बजी है एक ट्यून बजी है, तो वो इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर दे कि यहाँ पे लेजिस्लेचर आएगा, वो क्लियरली उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज को। हालांकि मतलब कि वो ही वाज नॉट एबल टू लोकेट इट क्लियरली, उसे क्लियरली लोकेट ना कर सका, ओनली 1 in 20 सब्जेक्ट्स रिपोर्टेड हियरिंग द प्योर टून। फोनीम रिस्टोरेशन इफेक्ट्स, अब इसके फिर आगे में एक और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये वर्ड बोले इट वाज फाउंड दैट द ईल वाज ऑन द एक्सेल। हमें पता है कि एक्सेल के साथ ईल जो वर्ड यूज हो रहा है तो इसका हमने लोकेट करना है कि क्या वर्ड होगा, तो ईल यूज होगा, शू है तो हमें हील आएगा, ऑरेंज है तो पील आएगा, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हमने यूज किया। इसका ये हुआ कि जो लोग मतलब कि ज्यादातर ब्रिटिश होता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के होते हैं तो वो उन्हें तो ईल जो है वो ऑलरेडी सुनने में व्हील लगेगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा क्योंकि इंग्लिश इस तरह की होती है कि मतलब हमें समझ नहीं आती, बहुत ही शॉर्ट से वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं हमें समझ आ जाएगा कि ये ईल ही है, हम इसे व्हील व्हील क्लियर करके अलग बोलेंगे ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर था 22। लेसन नंबर 21-22 इस वीडियो के अंदर कवर किया, और इसके साथ साथ आपका मिड टर्म का सिलेबस भी कवर हो गया। और अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी लेक्चर और चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए फाइनल टर्म का सिलेबस भी रिकॉर्ड कर सकूं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फाइनल टर्म के सिलेबस में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।